हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने ऑल न्यू 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। ये कार इंडियन मार्केट के अंदर कल यानी कि 12th ऑफ अगस्त को लॉन्च की जाने वाली है और इस कार के अंदर अब आपको सिर्फ दो ही वेरिएंट्स ऑफर किए जाएंगे जो कि है S और S11। बाकी वैसे ये कार पूरी की पूरी पहले वाली स्कॉर्पियो जैसी है, बस क्लासिक का बैज यहाँ पे मेनली ऐड किया गया एंड थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस है जैसे कि यहाँ पे लोगो चेंज है एंड छोटे मोटे और चेंजेस है जिनके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जरूर से वीडियो को लास्ट तक बने रहे, आपको इस कार के बारे में सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। इंजन से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर महिंद्रा थार वाला इंजन अब ऑफर किया जाने वाला नई स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर जो कि प्रोड्यूस करेगा अराउंड 130 पीएस की पावर और 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क एंड थार के अंदर इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बाकी इसके अंदर कैसी रहती है वो आपको नेक्स्ट वीडियो इसके ड्राइव रिव्यू में पता लग जाएगा। और ना आपके यहाँ क्लासिक वेरिएंट के अंदर अभी भी हाइड्रोलिक सिस्टम ही ऑफर किया जा रहा है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। नई वाली स्कॉर्पियन के अंदर ये हटा के नॉर्मल कर दिया गया एंड उसका बोनेट बहुत ही ज्यादा हैवी है एंड इसको बड़े आराम से कुछ इस तरीके से बंद कर सकते हैं। और ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी कार के लिए एक बहुत ही बढ़िया कार परफ्यूम के बारे में जो कि है इन्वॉल्व वन का मस्त कार परफ्यूम। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा मस्त है, तो अगर आपको एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस चाहिए अपनी कार के अंदर तो जरूर से जाकर इसे बाय करें, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ना ये परफ्यूम इजीली अराउंड 45 टू 60 डेज तक लास्ट भी कर जाता है। और अब बात कर लेते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑल न्यू फ्रंट ग्रिल इसकी देखने को मिल जाती है जिसके सेंटर में आपको यहाँ पर इसमें दिया गया महिंद्रा का लोगो जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। फ्रंट क्रोम ग्रिल आप यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, काफी ज्यादा अमेजिंग है ये। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे पहले की तरह ही पूरा इसमें बोनट दिया गया, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हेडलैम्प्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कार के हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। लो बीम के लिए आपको यहाँ मिलता है प्रोजेक्टर, साथ ही हाई बीम के लिए आपको मिलता है यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प, साथ ही कॉर्नरिंग लैम्प फंक्शन भी आपको यहाँ मिलता है। ऊपर आपको यहाँ पे इसमें कुछ इस तरह की एलईडी लाइट मिल जाती है, नीचे आपको यहाँ फॉग लाइट्स मिलती है और साथ ही अब डीआरएल्स को भी नीचे एड ऑन कर दिया गया जो कि ऑन होती है जब ये मेन लाइट्स ऑफ रहती है एंड ये आपको यहाँ एलईडी में मिल जाती है। बाकी ओवरऑल फ्रंट लुक कुछ इस तरह के कार का जो कि पहले की तरह काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। साइड की अगर बात करते हैं तो साइड में आपको यहाँ पर इस पे देखने को मिल जाते हैं इसके 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स जिनका डिजाइन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सेंटर में आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है नया महिंद्रा का लोगो। टायर प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाती है 235/65R17। साइड टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर इसके ओवरबीएम के ऊपर दिया गया, एम हॉक की बैचिंग आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं एंड पहले आपको S11 वेरिएंट के अंदर ना साइड टर्न इंडिकेटर यहाँ मिलता था एंड अब इसे डाउनग्रेड कर दिया एंड नीचे अब दे दिया गया है। बाकी ओवरऑल साइड लुक की बात करें तो कुछ ऐसा आपको कंप्लीट साइड लुक मिल जाता है एंड उस साइड से मैं आपको कार दिखाऊंगा तो उसके अंदर ये वाली जो प्लास्टिक सीट्स लगी हुई हैं ये हटी हुई हैं, तो आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा किस तरीके की कार कम्प्लीटली साइड से आपको मिल जाएगी। फुट स्टेप भी आपको यहाँ पर इसमें दिया गया था ताकि आप बड़ी आसानी से कार के अंदर चढ़ सके। ऊपर आपको यहाँ पे इस पे रूफ रेल्स दी जा रही हैं जो कि एक काफी अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल कुछ ऐसा आपको कंप्लीट लुक मिल जाता है कार का बैक साइड से। पीछे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की इस पे टेल लैंप्स मिलती हैं, एलईडी टेल लैंप्स आपके यहाँ दी जा रही है, रिवर्स पार्किंग लाइट और साइड टर्न इंडिकेटर आपके यहाँ इसमें मिल जाता है एंड ये वाला पार्ट एड ऑन कर दिया गया रिफ्लेक्टर, ये वाला पार्ट अब आपको क्लासिक के अंदर मिल रहा है। यहाँ पर आपको इसमें मिल जाती है स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की बैजिंग एंड टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट आप देख रहे हैं क्लासिक मॉडल का। नीचे आपको यहाँ पे दी गई माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग एंड कुछ ऐसा आपको कंप्लीट लुक मिल जाता है कार का बैक प्रोफाइल से जो कि मेरे को पर्सनली पहले वाली स्कॉर्पियो से ज्यादा बढ़िया लग रहा है। सेंटर में नए वाला महिंद्रा का लोगो पूरा चमक रहा है ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स के साथ। बाकी रिवर्स पार्क कैमरा आपको यहाँ पर इस कार में नहीं मिलेगा। पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर इस पे दो दिए जा रहे हैं, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ मिल जाता है एंड कुछ ऐसा आपके यहाँ पे फुटस्टेप मिलता है कार के अंदर जाने के लिए। रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर आपके यहाँ तीनों चीजें दी गई हैं, ब्रेक लाइट आप यहाँ देख सकते हैं, स्पॉइलर आपको ये मिल रहा है। बाकी ना ओवरऑल अगर बात करें तो कुछ ऐसा आपको कंप्लीट बैक साइड का लुक मिल जाता है इस कार का। रूफ आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ और अब चल लेते हैं कार के अंदर एंड चलकर चेक कर लेते हैं इसके इंटीरियर्स को भी। तो ये गाइस इस कार का ड्राइवर साइड डोर हैंडल जो कि आपको मिल जाता है बॉडी कलर्ड एंड कुछ ऐसा यहाँ पे आपको इसका मिलता है कंप्लीट डोर पैड जो कि आपको सिंगल टोन बेज में ही दिया गया। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल, साथ ही आपको मिलता है यहाँ पे इसका डोर हैंडल। ऊपर आपको ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स मिलता है, नीचे आपको स्टोरेज स्पेस और साथ ही एक स्पीकर दिया गया। और अगर बात करते हैं डोर ओपनिंग की तो ये वाला डोर जो है काफी ज्यादा वाइड ओपन हो जाता है कार के अंदर, एंट्री एक्सिट करने में आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर आपको इसमें कुछ इस तरह की सीट्स मिलती है जिन्हें कि आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे इनमें मिल जाता है। और कुछ ऐसा आपको यहाँ पे फर्स्ट लुक देखने को मिलता है इस कार के कंप्लीट डैशबोर्ड का। और अब कीज की बात करें तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह की कीज ऑफर की जाती है नए वाले महिंद्रा के लोगों के साथ। पीछे साइड पर आपको मिल जाता है लॉक अनलॉक और बटन एंड फ्लिप कीज आपको यहाँ पे ऑफर की गई। यहाँ पर आपको इसमें की को इंसर्ट करना पड़ता है, यहाँ पे सेंट्रल पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ किसी भी वेरिएंट के अंदर इस कार में नहीं मिलता है।
और अगर बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह का कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि आता है पूरी ब्लू इल्यूमिनेशन के साथ। सेंटर में आपको यहाँ पर इसमें दी गई है MID स्क्रीन, राइट में आपको मिल जाता है इसके स्पीडोमीटर, लेफ्ट में आपको दिया गया इसका RPM मीटर। स्टेयरिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह का कंप्लीट स्टेयरिंग व्हील का लुक देखने को मिलता है। फुली लेदर आप स्टेयरिंग व्हील है, नए वाला महिंद्रा का लुक आप यहाँ देख सकते हैं। ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स यहाँ दिए गए, मीडिया कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे और इस साइड पर आपको मिलते हैं क्रूज कंट्रोल के लिए कंट्रोल्स। बाकी यहाँ पर आपको इसमें दिया गया हेडलैम्प के लिए टॉगल और इस साइड पर आपको मिल जाता है वाइपर के लिए टॉगल। यहाँ पर आपको एक AC वेंट दिया गया, नीचे आपको मिल जाते हैं ओवर VM के कंट्रोल्स, जिन्हें कि आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ आपको मिल जाता है हेडलाइट लेवल और यहाँ से आप इसकी फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। साथ ही आपके यहाँ मिल जाता है रियर डिफॉगर के लिए भी स्विच। बाकी अगर डैशबोर्ड लुक की बात करते हैं तो कुछ ऐसा आपको कंप्लीट डैशबोर्ड लुक मिल जाता है इस कार का, जो कि पहले की तरह ही ऑलमोस्ट ड्यूल टोन में आपको मिलता है ब्लैक एंड बेज। यहाँ पर आपको दो AC वेंट्स दिए गए, नीचे अब आपको यहाँ पे मिल जाता है एक एंड्रॉयड सिस्टम, जो कि मेरे को पर्सनली कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आया। पहले वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर बहुत ही बढ़िया मिलता था, जो कि महिंद्रा का ओरिजिनल था। ये वाला आपको मिलता है एंड्रॉयड, 10,000 वाला जैसे बेसिक होता है वही चीज़ है। सेंटर महिंद्रा स्कॉर्पियो बनी हुई है, बाकी ऐसा कुछ है। ये ऑक्स ब्लूटूथ USB का ऑप्शन आपको यहाँ इसमें मिल जाता है और AM/FM तो होता ही है। बाकी वुडन फिनिशिंग आपको यहाँ पर इसकी पूरी सराउंडिंग्स पे देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको इसमें मिल जाते हैं AC कंट्रोल्स एंड फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर आपको इसमें दिए गए। यहाँ आपको मिलता है हजार्ड लाइट का स्विच, यहाँ आपको मिलता है ऑटो इंजन ऑन ऑफ का स्विच। तो ये फीचर यहाँ पे माइक्रो हाइब्रिड वाली कार्स के अंदर आता ही है। यहाँ आपको मिलता है 12 वाट्स का पावर सॉकेट, स्टोरेज स्पेस। और ये गाइस इस कार का गियरबॉक्स, 6-speed का मैनुअल गियरबॉक्स आपको यहाँ इसमें दिया जा रहा है। रिवर्स गियर लगाने पर आपको यहाँ पे कोई भी कैमरा का डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कैमरा आपको यहाँ पर इस कार में मिलता नहीं है। सेंसर्स का भी डिस्प्ले आपको यहाँ नहीं मिलता है। बाकी लेदर आप गियरबॉक्स है, पीछे आपको यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिलती है, जहाँ पे कि आप अपने 2 बॉटल्स रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप इन्वॉल्व वन का मस्क का परफ्यूम भी इसी के अंदर यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ से पूरी कार के अंदर फ्रेग्रेंसेस की फैल जाएगी। यहाँ पर आपको मिल जाती है हैंडब्रेक, हैंडब्रेक के पीछे आपको यहाँ रियर AC वेंट्स मिलते हैं बैक सीट पैसेंजर्स के लिए। फ्रंट सीट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह की सीट्स ऑफर की गई हैं। बेज कलर के अंदर आपको ये सीट्स मिलती हैं एंड बढ़िया ओवरऑल इस सेगमेंट के हिसाब से कंफर्ट ये प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब बाकी ऐसा कुछ डैशबोर्ड का लुक था। ड्यूल एयरबैग्स ABS/ADD आपको यहाँ पे एज स्टैंडर्ड इस कार में ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग इस पर पूरी दी गई है। यहाँ पे आपको पहले की तरह ही टिपिकल स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाती है। नीचे आपको इसका ग्लव बॉक्स मिलता है, जो कि है कुछ इतने साइज का। ग्रैब हैंडल आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं, ऊपर कुछ इस तरह का मिलता है। कोठों का आपको आगे की तरफ भी दिया गया, पीछे मिलता है और आगे भी मिलता है। बाकी साइड आपको सनसीट के अंदर दिया गया वैनिटी मिरर। सेंटर मिलता है मैनुअल डे एंड नाइट IR। यहाँ पे आपको मिल जाता है सनग्लास होल्डर एंड कोई भी लाइट वगैरह आपके यहाँ नहीं मिलेगी। सेंटर में आपके यहाँ मिल जाती है, जो कि आती है हेलोजन बल्ब के साथ। बाकी साइड सनशीट के अंदर आपके यहाँ पे कुछ भी ऑफर नहीं किया जाता है। और ना अब चल लेते हैं कार की बैक सीट में एंड चलकर चेक कर लेते हैं इसका बैक सीट कंफर्ट भी। तो है गाइस इस कार का बैक डोर, जो कि आपको सेम मिल जाता है फ्रंट डोर की तरह ही, पूरा बेज कलर के अंदर। यहाँ पर आपको दिया गया पावर विंडो का स्विच, ग्रैब हैंडल, डोर हैंडल आपको यहाँ मिलता है। यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर भी इसमें दिया गया। बाकी नीचे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे आपको पूरे ग्लॉसी ब्लैक इसमें इंसर्ट्स दिए गए एंड ये वाला डोर भी काफी ज्यादा वाइड ओपन हो जाता है कार का। तो कार के अंदर बैक सीट में भी एंट्री एक्सिट करने में आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। सीट्स की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे कैप्टन सीट्स ऑफर की जा रही हैं। एडजस्टेबल टाइप का आपको यहाँ हेडरेस्ट मिल जाता है, एडजस्टेबल टाइप का आपको यहाँ आर्मरेस्ट भी इस पे दिया गया है। एंड ये कैप्टन सीट कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इनोवा जैसी कार के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। इसके अंदर भी डिसेंट कम्फर्ट की ऑफर कर रहा है। बाकी यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन मिलता है आगे पीछे वगैरह करने के लिए एंड इन्हें आप फोल्ड भी कर सकते हैं बैक सीट पे जाने के लिए। और अगर यहाँ से डैशबोर्ड लुक की बात करते हैं तो कुछ ऐसा आपको कंप्लीट डैशबोर्ड लुक मिल जाता है इस कार का बैक सीट से। नीचे आपको 2 AC वेंट्स दिए जा रहे हैं, साथ 2 बॉटल होल्डर्स भी यहाँ मिल जाते हैं। मैप पॉकेट आपको यहाँ पर इसमें दी गई है, मोबाइल होल्डर आपके यहाँ इसमें मिल जाता है। और सीट्स में आपको यहाँ पे ऑलरेडी वैसे दिखा चुका हूँ। और अगर रूफ लाइट की बात करते हैं तो एक आपको आगे मिलती है और एक आपको यहाँ पीछे मिलती है एंड ये भी आपको यहाँ हेलोजन में दी गई है। एंड कुछ ऐसी है यहाँ की पूरी थर्ड रो, जिसके अंदर की आपको अगेन आर्मरेस्ट मिल जाता है एंड ये फॉर्चुनर इनोवा किसी के अंदर भी आर्मरेस्ट बीच में नहीं मिलता है थर्ड रो के अंदर। बाकी अगर बात करते हैं स्पेस की, तो गाइस मेरी हाइट 6 feet एंड ड्राइवर साइड सीट में नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है और फिर भी काफ़ी अच्छा नी रूम, लेग रूम और हेड रूम मेरे को यहाँ पे इस कार के अंदर मिल पा रहा है। एंड ओवरऑल जो सीट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है इस कार की। और ना अब चलते हैं इस कार की थर्ड रो में एंड चलकर चेक करते हैं इसका थर्ड रो का कम्फर्ट भी। तो थर्ड रो में जाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप बड़े ही आराम से इन सीट्स को यहाँ पर फोल्ड कर सकते हैं एंड उसके बाद ना आपको यहाँ पे कुछ इतनी वाइड ओपनिंग मिल जाती है थर्ड रो में जाने के लिए। थर्ड रो की अगर बात करते हैं तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, मैं दिखा चुका हूँ। आर्मरेस्ट आपको यहाँ मिल रहा है एंड कप होल्डर्स वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेंगे, बाकी आर्मरेस्ट मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। फ्रंट का लुक आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कंप्लीट देखने को मिलेगा। स्पेस की अगर बात करते हैं तो स्पेस छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे, मतलब एडल्ट्स के लिए इतनी कोई खास जगह यहाँ पे थर्ड रो के अंदर नहीं है। पहले वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर ऐसे मतलब साइडवेज सीट मिलती थी, अब ये फ्रंट कर दी गई थोड़ा बहुत सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए।
बाकी जो ये विंडोज हैं इनको आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये इतनी यहाँ पे ओपन हो जाती हैं एयर क्रॉसिंग के लिए। बाकी अगर बात करते हैं बूट की, तो बूट आपको यहाँ पर इस कार में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। जो टेल गेट है वो कुछ ऐसे ओपन होता है, अपर की तरफ नहीं होता, मतलब साइड वाइज ही ओपन होता है। बूट स्पेस आपको यहाँ पर कुछ इतना यहाँ देखने को मिलता है, जो कि ना के बराबर ही है। बाकी रियर सीट्स को आप यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं एंड उसके बाद फिर आपको काफ़ी अच्छा ओवरऑल बूट इस कार में मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ आप यहाँ पे रियर सीट को एक वे में और इसके बाद एक बारी और ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं एंड फिर आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी ना बंद कर देते हैं इसके टेलगेट को एंड बात कर लेते हैं इस कार के प्राइस की। अभी फिलहाल जो S11 का एक शोरूम प्राइस है वो कहीं 18 लाख रुपीज़ के आसपास का चल रहा है एंड कल ही ऑफिशियली कार रिवील हो जाएगी एंड प्राइसेस वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। तो कल जो भी प्राइसेस आएंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। बाकी आपको ये कार कैसी लगती है आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में ना लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व वन के मस्क का परफ्यूम का, जिसे जाकर आप जरूर से बाय कर लेना। बाकी यही थी गाइस कंप्लीट वीडियो, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।